चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान की कहानी क्या है। चंद्रयान की कहानी यह है दोस्तों कि 14 जुलाई 2:35 पे हरिकोटा से उड़ान भरा था और इसी दौरान 40 दिन का सफ़र। चंद्रयान 3 इनका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि पहला मिशन जब चांद पर उड़ान भर रहा था तो वो फेल हो गया। उसके बाद में दूसरा लैंडर जब उड़ा वो भी फेल हो गया, लेकिन तीसरा लैंडर ने अपने कदम कुछ ऐसी जगह रखे कि जहाँ पर आज तक कोई भी लैंडर पाँव नहीं रख सका। लेकिन भारत के चंद्रयान ने दक्षिण की ओर उतरकर बड़े बड़े साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये भी सोचने ऐसी बात है दोस्तों कि चंद्रयान दक्षिण की ओर उतरने वाला ये पहला भारतीय यान है। आज तक कोई भी चंद्रयान दक्षिण की ओर नहीं उतरा। ये 14 देश माना जाता है भारत का, अमेरिका, जापान, रसिया, चीन, इन देशों ने अभी तक दक्षिण की ओर उड़ान नहीं भरी और दक्षिण की ओर उनका यान नहीं उतरा। यही वजह रही है इंडिया की सफलता और मिशन फतेह। दोस्तों, इस मिशन फतेह में हमारे भारत के बड़े बड़े साइंटिस्टों का हाथ है, जिन्हों को बड़ी उम्मीदों के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद विक्रम लैंडर को चांद पर लैंड किया है। आइए हम कुछ छिलके आपको बताने जा रहे हैं, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज तक हम आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका, चीन और रूस, ये 3 देशों ने चंद्रयान उतारे हैं चांद पर, लेकिन दक्षिण की ओर उतारने वाला यह पहला देश है भारत जिसने दक्षिण की ओर अपना चंद्रयान उतारा है। अमेरिका लिखता है कि यह पहला भारत देश है जिसने चंद्रयान को दक्षिण की ओर उतारा है। अमेरिका बहुत बहुत बधाई दे रहा है अपने भारत देश को। दोस्तों, अमेरिका जब चांद पर गया तो चांद पर उसने कुछ ऐसी चीज़ देख लिया जिससे उसने अपना पूरा सर्कुलेशन बंद कर दिया। लेकिन अब ऐसी कुछ रहस्यमय घटनाएँ चांद पर गुजरी है, ऐसी कुछ रहस्यमय घटनाएँ, कुछ रहस्यमय चित्र है जिससे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट देखकर हैरान और परेशान रह गए। चांद पे जाना इतना आसान नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। चांद पे जब भी कोई इंसान कदम रखता है तो उसे जंप करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। चांद पे छुपे रहस्यमय चित्र को देखने के लिए हमारे इंडिया का एक यान जिस क्रम 3 यान कहा जाता है, बाहुबली 3 यान ने जब कदम रखा चांद पर, चांद के चारों ओर जब घटनाएं, जब विक्रम 3 यान चक्कर काट रहा था तभी सारे वैज्ञानिक सोच में डूबे हुए थे। लेकिन हमारे भारत के साइंटिस्ट ने बाहुबली 3 यान की शुरुआत 2019 में शुरू हुई। 2023 वार बुधवार को शाम के ठीक 6:03 पर चांद पर लैंड कर गया। पूरा भारत देश बल्कि पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आज तक चंद्र में कोई भी मानव जाति ने अपना कब्जा नहीं किया है। 110 देशों ने सिग्नेचर की है, लेकिन यह पहला भारत देश है जिसने अपना झंडा चांद पर लहराया है। चांद पर जब विक्रम 3 यान उतर रहा था तो सारी दुनिया टीवी के ऊपर लाइव देख रही थी। साइंटिस्ट की धड़कनें बढ़ गई थी। अब कुछ ही देर में चंद्रयान 3 चांद पर उतरने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।